एक तरफ जहां G20 पटिवीनारायण भारतवर्ष पर बड़ी कवरेज जारी है, वहीं दूसरी तरफ सर्गेई लावरोव दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि यूक्रेन युद्ध पश्चिम की साजिश है और बहुत कुछ कहा उन्होंने। सीज फायर के मुद्दे पर बात की, किस तरह से रास्ता आगे निकाला जा सकता है और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों रूस को घेरा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों का जवाब दिया है सर्गेई लावरोव ने दिल्ली में। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पहले युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें देख लेते हैं। कीव में ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हवाई हमलों पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 2 दर्जन ड्रोन मार गिराए हैं। और इधर एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया है अलर्ट, ड्रोन और मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया है। चेर्निहिव, कीव, ज़ापोरिज़िया में अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कई शहरों में ये एयर अलर्ट है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया पर ड्रोन हमला नाकाम रहा है। 3 यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया गया, डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन में एक ब्रिटिश फाइटर की मौत हो गई है। यूक्रेन के लिए लड़ रहा था ब्रिटिश नागरिक, जवान के हाथ पीछे बंधे हुए मिले। तो यूक्रेन के लिए लड़ रहे एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हो गई है, उस जवान के हाथ पीछे बंधे हुए मिले। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है, हथियार सप्लाई तेज करें पश्चिम के देश, ये कहा गया यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन लगातार और हथियारों की मांग करता रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि और तेजी से पश्चिम के देश हथियार सप्लाई करें, ये रक्षा मंत्रालय कह रहा है।